तो आज के इस वीडियो से हम सिंथेसिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप क्लास 11th और क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश ग्रामर में एक सिंथेसिस टॉपिक आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि वाक्यों को जोड़ना होता है और एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपसे कहा जाता है। और अगर आप नहीं बना पाते हैं दिए हुए वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस, तो आप जो है इस सिंथेसिस टॉपिक का पूरा सीरीज देखिएगा। आप काफ़ी आसानी से जो है सिंथेसिस टॉपिक को सीख लेंगे और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। जैसा कि इससे पहले मैंने सिंथेसिस टॉपिक को पहले भी टीच किया हुआ है, अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पुराने वीडियो से जो है आपको सिंथेसिस टॉपिक पर कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस सत्र के लिए हम लोग सिंथेसिस टॉपिक को फिर से जो है देखेंगे और काफ़ी सिंपल शब्दों में और काफ़ी आसान तरीके से जो है सिंथेसिस टॉपिक को मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोग नरेशन टॉपिक को टोटली सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नरेशन टॉपिक का पूरा वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे मैंने लिंक दिया है ऊपर, वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा नरेशन का जो है वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो है टीच कर दिया है, तो जाकर आप नरेशन टॉपिक को भी तैयार कर सकते हैं। तो सिंथेसिस टॉपिक पर यह हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो से सिंथेसिस टॉपिक का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिएगा और आसानी से आप जो है सिंथेसिस टॉपिक को सीख लेंगे और यह सिंथेसिस टॉपिक आपको सबसे सरल लगने लगेगा अगर एक बार आप अच्छे से इसे समझ लेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। तो देखिए, सिंथेसिस जिसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। अब यह हमको न तो सिंथेसिस शब्द समझ में आ रहा है न तो संश्लेषण समझ में आ रहा है। तो अगर आपको यह दोनों शब्द नहीं समझ में आ रहे कि सिंथेसिस क्या है संश्लेषण क्या है, तो सिंथेसिस का एक और नाम है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन शब्द आप जुड़े जो है आप सुने होंगे। तो कॉम्बिनेशन का हिंदी अर्थ जो होता है वह होता है जुड़ाव। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि कॉम्बिनेशन का हिंदी अर्थ जुड़ाव होता है, तो अर्थात सिंथेसिस का भी हिंदी अर्थ जुड़ाव होता है और संश्लेषण का भी हिंदी अर्थ जुड़ाव होता है। जब इस सिंथेसिस का अर्थ ही जुड़ाव होता है तो जाहिर सी बात है सिंथेसिस में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है। हाँ, सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह सिंथेसिस टॉपिक का यह जो सिंथेसिस होता है इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो सिंथेसिस का डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए, हम सिंथेसिस टॉपिक जो सिंथेसिस है उसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से जो है दे सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इंटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। अर्थात सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है आपको। तो यह तो बात हो गई सिंथेसिस कहते किसे हैं। अब सिंथेसिस में आपको जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत हमें तीन शीर्षकों का अध्ययन करना होता है। पहला, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तीसरा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो इन सब सेंटेंसेस को हम लोग जो है बनाना सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग सिंथेसिस टॉपिक
को समझ रहे हैं कि सिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। तो जब आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले आप यह जानिए कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, सिंपल सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस आपका होता है उसमें जो है आपको सब्जेक्ट एक दिखाई देगा, यानी सिंपल सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट आपका एक होता है, सब्जेक्ट कितना होता है, एक होता है। और फाइनाइट वर्ब कितना होता है, फाइनाइट वर्ब की संख्या भी कितनी होती है, एक होती है। यानी अगर आपका सिंपल सेंटेंस जो है, अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें अगर आपका एक ही सब्जेक्ट आ रहा है और फाइनाइट वर्ब एक आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो आपका जो वाक्य होगा वह आपका सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है वह आपका जो है जो सेंटेंस है वह कहलाता है आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाते समय क्या सावधानी रखेंगे या फिर सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह उठता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, हमको फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं पता। अब सिंथेटिस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको जो है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और क्लाज के बारे में अच्छे से समझना होगा। तो मैं वर्ब के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब अच्छे से स्पष्ट कर दूंगा, और एक वीडियो और अलग से बना दूंगा जिसमें आपको मैं क्लाज के बारे में पूरा जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप आसानी से क्लाज के बारे में भी जान सकें। तो यह तो बात हो गई कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल से भी स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल से आप बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लास 12 के लिए, और साथ ही साथ क्लास 11 के विद्यार्थी भी हमारे इस चैनल से इंग्लिश ग्रामर का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, आई सा अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक सब्जेक्ट है, यह आपका क्या है, आई सब्जेक्ट है, और फाइनाइट वर्ब कौन है इसमें, आपका सा है। अब यह फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो ऐसा वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है, ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है, उस वर्ब को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्पष्ट करूंगा, ठीक है। तो यह तो बात हो गई कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता एक होता है और फाइनाइट वर्ब भी एक होता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको शो कर देता हूं ताकि आपको सिंपल सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, आई सा रवि प्लेइंग क्रिकेट, मैंने रवि को क्रिकेट खेलते हुए देखा। अब यहां पर देखिए यह सिंपल सेंटेंस है, क्यों सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वह एक ही है और फाइनाइट वर्ब आपका जो है सा है। देखिए आप फाइनाइट वर्ब को लेकर परेशान मत होइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपका यह जो प्लेइंग है यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो जब भी आपसे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो आप एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि फाइनाइट वर्ब की संख्या एक होनी चाहिए और सब्जेक्ट भी एक होना चाहिए। और अगर आपको और भी जो है वर्ब देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप सभी को नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कीजिए, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रखिएगा और एक ही सब्जेक्ट, और बाकी जो वर्ब आते हैं उनको आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करना होता है। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है आपका तीन प्रकार का होता है, जिसमें आपका पार्टिसिपल आता है, इन्फिनिटिव आता है और जीरंड आता है। और इसी तरह आपका जो फाइनाइट वर्ब होता है चार प्रकार का होता है, इसमें आपका ट्रांजिटिव वर्ब आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आता है, लिंकिंग वर्ब आता है, एक्जिलरी वर्ब या फिर उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये चार प्रकार का आपका मुख्यतः होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यह तो बात होगी कि सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं और सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमको क्या सावधानी रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, आखिर में यह कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना होगा। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं वह बोलते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस जो है आपका एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें आपको जो है
एक प्रिंसिपल क्लास दिखाई देगा, जिसमें आपको एक प्रिंसिपल क्लास दिखाई देगा। अब यह क्लास शब्द आ गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो है सिंथेटिस अच्छी तरीके से समझने के लिए क्लास को समझना होगा और फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब को समझना होगा। तो इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो क्लास और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पे सेपरेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी जानकारी के लिए याद रखिएगा कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक या एक से अधिक उसमें कोऑर्डिनेट क्लास होता है। अब यह क्लास के बारे में समझेंगे तो ही देखिए आपका डाउट क्लियर होगा कि यह जो है कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो आपका जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंस होगा तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक या एक से अधिक उसमें आपका जो है कोऑर्डिनेट क्लास होगा। तो मैं क्लास के बारे में अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, नहीं तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ क्लास टॉपिक पर, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि यह भी आपको क्लियर हो जाए। जैसे रवि इज रिच, रवि धनी है, बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न नहीं है। रवि धनी है लेकिन वह प्रसन्न नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है बट ही इज नॉट हैप्पी, बट ही इज नॉट हैप्पी, यह हमारा जो है कोऑर्डिनेट क्लाज है। कैसा क्लाज है? कोऑर्डिनेट क्लाज है। यह आपका कोऑर्डिनेट क्लाज हो गया, और यह जो आपका यह है रवि इज रिच, यह प्रिंसिपल क्लाज है। तो कैसे पहचानेंगे, मैं क्लास टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका प्रिंसिपल क्लाज एक होना चाहिए और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाज होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट क्लाज बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप याद कर लीजिए और उनका प्रयोग करके आसानी से कोऑर्डिनेट क्लाज बनाइए, और प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो यह तो बात हो गई कि आपका कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और भी शो कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर देखिए रवि वाज पनिश्ड, रवि को सजा मिली, फोर क्योंकि ही वाज रॉन्ग, क्योंकि वह गलत था। तो यहाँ पर देखेंगे रवि वाज पनिश्ड, ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लाज हो गया, प्रिंसिपल क्लाज पूरा अर्थ देता है, और फोर ही वाज रॉन्ग, यह आपका जो है कोऑर्डिनेट क्लाज हो गया। तो यह तो बात हो गई कि आपका कंपाउंड सेंटेंस जब भी बनेगा तो एक प्रिंसिपल क्लाज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाज की मदद से बनता है, और कोऑर्डिनेट क्लाज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से बनता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अब यह क्वेश्चन उठता है कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें आपको एक प्रिंसिपल क्लाज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक प्रिंसिपल क्लाज दिखाई देगा और एक या एक से अधिक आपको सब ऑर्डिनेट क्लाज देखने को मिलेंगे। यानी आप अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जो है एक प्रिंसिपल क्लाज की आवश्यकता होगी और एक या एक से अधिक आपको सब ऑर्डिनेट क्लाज की आवश्यकता होगी, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में हमको कोऑर्डिनेट क्लाज की आवश्यकता थी। और यह सब ऑर्डिनेट क्लाज जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से बनाए जाते हैं। तो इन पर मैं वीडियो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, जब मैं आपको जो है क्लाज के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य बोलते हैं, और अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो आपको प्रिंसिपल क्लाज की एक जरूरत पड़ेगी और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाज की जरूरत पड़ेगी। और कोऑर्डिनेट क्लाज जो है आपका तीन रूपों में देखने को मिलता है, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और आपका एडवर्ब क्लाज। तो उनकी मदद से आप आसानी से कोऑर्डिनेट क्लाज जो है बना सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके, और आपको प्रिंसिपल क्लाज क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा, तो इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। तो इसे अच्छी तरह मैं आपको जो है एग्जाम्पल से भी स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसे भी समझ पाएं। जैसे अ बॉय हु वाज ब्लाइंड केम टू माय ऑफिस, यानी एक लड़का जो कि मेरे कार्यालय को आया वाज ब्लाइंड, अंधा था। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो हमारा दो क्लाज आया, एक आया है अ बॉय
केम टू माई ऑफिस, यह आपका जो है पूरा अर्थ दे रहा है, तो यह प्रिंसिपल क्लाज है, ठीक है। यह आपका कैसा क्लाज है? प्रिंसिपल क्लाज है। और जबकि आपका हु वाज ब्लाइंड, यह आपका जो है हु वाज ब्लाइंड, यह आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लाज है, सबऑर्डिनेट क्लाज है। आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो है यह प्रारंभ है। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान रखना है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके सबऑर्डिनेट क्लाज बनाकर उसे प्रिंसिपल क्लाज से जोड़ दें, तो आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह की एग्जांपल मैं आपको और भी दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहां पर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, दिस इज द प्लेस, या वही स्थान है वेयर, जहां रवि लिप्स, रवि रहता है। तो यहां पर देखेंगे दिस इज द प्लेस, ये आपका प्रिंसिपल क्लाज हो गया, और वेयर रवि लिप्स, जहां रवि रहता है, आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया। तो यह हो गया कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। तो हम आने वाले वीडियोस में जो है अच्छे से सीखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे हम जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और कैसे आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो यह तो वीडियो था कि सिंथेसिस के बारे में, कि सिंथेसिस होता क्या है। तो अच्छे से मैं आपको पूरी तरह से सिंथेसिस टॉपिक आपको अच्छे से टीच कर दूंगा। और अगर आप सिंथेसिस टॉपिक को पूरा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सिंथेसिस टॉपिक पे पुराने वीडियोस कंप्लीट, मैंने इस टॉपिक को पुराने वीडियोस में कंप्लीट किया है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं वीडियोस, अच्छे से सीख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश ग्रामर का सरल एक्सरसाइज चाहते हैं या नोट्स तैयार करना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोनों चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल को, हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको दो लिंक देखने को मिलेगा, दो एप्लीकेशन का। एक नॉलेज बीम का, जिसपे कि आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉलिड एक्सरसाइज देखने को मिलता है, चाहे सिंथेसिस चाहे नरेशन हो चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, सबका। और इसके साथ साथ आपको जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक हैं वह भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं नोट्स के रूप में। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके ग्रामर क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करके यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ज़रूर आप लोग जाइए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नाम है नॉलेज बीम एप्लीकेशन का। और एक दूसरा जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वह भी जो है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स तैयार करने में हेल्प करेगा। वह स्पेशली आप उससे जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जो है इंग्लिश ग्रामर को या किसी और सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो यह था एक सिंथेसिस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो की सिंथेसिस होता क्या है, और टोटली वीडियो जो था वह सिंथेसिस टॉपिक के बारे में था कि सिंथेसिस होता क्या है, इसमें किस तरह से हमको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है, तो कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, क्या सावधानी रखनी होगी, कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, और किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।